पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी के सांसद सौमित्र खां ने ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में बड़ा खेल हुआ है। सौमित्र ने दावा किया है कि अभिषेक बैनर्जी शिक्षकों का हक मार रहे हैं और इस काम में बंगाल की पुलिस उनका साथ दे रही है। যখন খাঁচায় বন্দি করতে হয় অথবা সেই ধেড়ে ইঁদুরকে লাঠি দিয়ে ভাগাতে হয় অথবা গর্তগুলো বুঝিয়ে দিতে হয়, তো বাংলায় বাংলায় এখন ধেড়ে ইঁদুরদের তৃণমূলের সরকার চলছে। তাই বন্ধু কৃষকরা সচেতন হন, আপনাদের 2200 টাকায় ধান কেনা হলে ধেড়ে ইঁদুরদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যান। এখানকার তৃণমূলেরা প্রত্যেকটাই অলক মাঝি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা এমএলএ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানরা সব হলো ধেড়ে ইঁদুরের জাত ভাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হলো ধেড়ে ইঁদুর আর তাদের ভাইরা হলো এখানে পঞ্চায়েতের প্রধানরা। তাই বলি আর ধেড়ে ইঁদুরদেরকে পাহারা দিচ্ছেন আমার আপনাদের ঘরের পুলিশ কর্মী ভাইরা, নিশ্চিত দেবেন, কারণ ওই ধান চুরি করে আপনাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। আপনাদের শুধুমাত্র ধান না, আমাদের অন্ন, আমাদের শিক্ষকতা, আমাদের বুদ্ধিজীবী, আমাদের বুদ্ধি প্রত্যেকটাই চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করতে পারেন, পশ্চিমবাংলায় আমরা কখনো এটা দেখতাম? পশ্চিমবাংলায় কখনো আমরা এটা দেখতাম? 650 দিন ছাত্র অবস্থায় আছে, যারা শিক্ষকতা চাকরি পাবে তারা। वही टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की कांथी में और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की डायमंड हार्बर में सभा को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। डायमंड हार्बर में शुभेंदु अधिकारी की सभा के पहले अभिषेक बैनर्जी के समर्थकों पर बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगा है। बीजेपी के मंच से बांस और माइक उतारने का आरोप टीएमसी वर्करों पर लगा है। इधर शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बैनर्जी को चुनौती देते हुए ट्वीट किया है कि हर हालत में बैठक होगी, रोक सको तो रोक लो। शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में समर्थक जुटे हैं। इनका आरोप है कि टीएमसी वर्करों ने मंच पर तोड़फोड़ किया है। साले इधर के, एक जो तो पुलिस आते हैं, राजौर पुलिस, एक साला के बाद जब शुभेंदु अंडर घात करते होंगे, तृणमूल सरकार लूटे राजा सरकार परिणत हो गए, पुलिस के दोनों दशे व्यवहार कर चे, बीजेपी शांतिपूर्ण आंदोलन करते दिख चे ना, हमारे कंट्रोल ऑफ करा हो चे, পুলিশ পুলিশ দলদাসে পরিণত করেছে, তৃণমূলের দলদাস হয়ে গেছে, বলে যেতে দিচ্ছে না আমাদের, আমাদের শান্তি শুভেন্দু অধিকারী শান্তিপূর্ণ জনসভায় যেতে দিচ্ছে না, গাড়িকে আটক করেছে এখানে। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव की तैयारी पश्चिम बंगाल में अभी से शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।